नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज बरेली। मैं हूँ आपके साथ मोनिका भारती। इस वक्त हम मौजूद हो चुके हैं बरेली क्लब के ग्राउंड पे, जहाँ पर उत्तरायणी मेले का आज शुभारंभ हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जितना यहाँ पर गेट लगाया गया है उत्तरायणी मेले का, जो कि 27वां उत्तरायणी मेला बरेली में मनाया जा रहा है। और आज इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर शुभारंभ हो चुका है मेले का और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। मेले में जो स्टॉल लगाए जाते हैं वो तैयार होने लगे हैं। और आप देख सकते हैं मेले में आज काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हुए हैं, जो कि शुभारंभ हुआ है इसका, क्योंकि कोविड के दौरान ये 2 साल तक मेला नहीं लग पाया था, जिसके कारण बरेली के चाहने वालों का जो कि निराशा थी काफ़ी। लेकिन इस बार काफ़ी भीड़ आज यहाँ पर मौजूद हुई है, पुलिस प्रशासन मौजूद हुई है यहाँ पर पूरा, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर स्टेज तैयार किया गया है जहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं मेला यहाँ पर जो कि लगा हुआ है, स्टॉल तैयार होने लगे, यहाँ पर सजने लगे हैं, जो कि 3 दिन तक लगातार ये मेला लगने वाला है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। आपको किस तरह से जो यहाँ पर मौजूद हुई है अभी, और यहाँ पर जो स्टेज लगाया गया है, यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं, अपनी अपनी यहाँ पर मनोज कांडपाल जी झांकियाँ हैं, कई तरीके की झांकियाँ, स्कूल के बच्चे हैं जो कि अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं यहाँ पर। और श्री मोहन जोशी जी, बरेली के सभी आला अधिकारी, हमारे उत्तरायणी जन कल्याण समिति के कोषाध्यक्ष श्री देवेंद्र बंगाल जी, इस तरह से भीड़ लगी हुई है। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, उत्तराखंड का बड़ा प्रसिद्ध मेला है और स्वरों में ही पहला स्वर पांडे जी ने, जिसके बिना बाकी स्वरों की पहचान नहीं है, जिससे हम लोग स्वरों यानी हमारी संस्कृति सभ्यता यानी हमारी पहचान का मेला हो गया है। मैं इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामना करता हूँ। सर, जोशी मठ में बहुत बुरे हालात, जोशी मठ में बहुत बुरे हालात हैं सर, क्या जोशी मठ के बारे में कहेंगे सर?